आकाशवाणी खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं संजना शर्मा पहला इस बुलेटिन दी खास खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना विच 11,000 करोड़ रुपए तो वध दी कीमत दे वख-वख विकास प्रोजेक्टां लई नींह पत्थर रख्या है। उन्होंने सिकंदराबाद तिरुपति अते चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत रेल गड्डियां नूं झंडी विखा के रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असाम च तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन विखे सुखोई 30 MKI हवाई जहाज विच उड़ान भरी है। यूक्रेन के फर्स्ट उप विदेश मंत्री एमीने जपरोवा भड़के तो भारत के 4 दिना दौरे ते आउणगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अज रामबन जिले विच सनासर विखे ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो 3 दक्षिणी राज्यां तेलंगाना तमिलनाडु ते कर्नाटका दे 2 दिना दौरे ते ने। अपने दौरे दे पहले पड़ाव विच उन्होंने तेलंगाना दा दौरा कीता ते राज विच 11,000 करोड़ रुपए तो वध दे वख-वख रेल अते सड़क प्रोजेक्टां लई नींह पत्थर रखे। प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन ते सिकंदराबाद तो तिरुपति तक वंदे भारत एक्सप्रैस रेलगड्डी नूं वी झंडी विखा के रवाना कीता। इस मौके ते बोलदिआं प्रधानमंत्री ने तेलंगाना दे लोकां दे सुपने साकार करन लई सरकार दी वचनबद्धता नूं दोहराया। दूजे पड़ाव विच प्रधानमंत्री चेन्नई पहुंचे। उन्होंने चेन्नई हवाई अड्डे ते नवी संगठित टर्मिनल इमारत फेज़ 1 दा वी उद्घाटन कीता। प्रधानमंत्री ने MG रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन तो चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रैस नूं वी झंडी विखा के रवाना कीता। प्रधानमंत्री ने विवेकानंद हाउस विच श्री रामकृष्ण मठ दी 125वीं वरेगंढ मनाउण लई कराए जा रहे जश्नां विच वी हिस्सा लिया। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तेलंगाना दे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अज प्रधानमंत्री दे समारोह विच ना जाके साबित कीता कि विकास मुख्यमंत्री दे एजेंडे विच नहीं है। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट विच कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज तेलंगाना दे लोकां लई 11,300 करोड़ रुपए की कीमत वाले प्रोजेक्टां दा उद्घाटन कीता पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दे समारोह तो पासा वट गए जो कि सियासी दुश्मनी नूं दर्शाउंदा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज असाम विच तेजपुर विखे सुखोई 30 MKI लड़ाका हवाई जहाज विच इतिहासिक उड़ान भरी। भारतीय हथियारबंद फौजां दे सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ने हवाई फौज दे स्टेशन ते परतन तो पहला हिमालय दे नजारे नूं वेखदिआं लगभग 30 मिनट तक ब्रह्मपुत्र ते तेजपुर वादी विच उड़ान भरी। हवाई जहाज 106 स्क्वैड्रन दे कमांडिंग आफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार वल्लों उड़ाया गया। राष्ट्रपति मुर्मू अजिही उड़ान भरन वाले तीजे राष्ट्रपति अते दूजे औरत राष्ट्रपति ने। बाद विच राष्ट्रपति ने मेहमानां दी पुस्तक विच लिखिया कि इह उन्हां लई रोमांचक अनुभव सी। उन्हां कहा कि इह माण वाली गल है कि भारत दीआं रक्षा समर्थावां दा बहुत ज्यादा पसार होया है ते इह सारे मुहाजा जमीन हवा ते समुंदर दी राखी करदीआं ने। राष्ट्रपति नूं हवाई जहाज ते भारतीय हवाई फौज दीआं संचालक समर्थां बारे भी जानकारी दित्ती गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार तो अरुणाचल प्रदेश के 2 दिना दौरे ते जाणगे। अपने दौरे दौरान ओ अंजार जिले विच सरहदी पिंड कीवीथू विखे वाइब्रेंट विलेजिस प्रोग्राम शुरू करनगे। गृहमंत्री कीवीथू विच गोल्डन जुबली बार्डर इल्यूमीनेशन प्रोग्राम तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार वल्लों उसारे गए 9 सूखम पनबिजली प्रोजेक्टां दा भी उद्घाटन करनगे। ए बिजली प्रोजेक्ट सरहदी पिंडां विच रहिंदे लोकां दा शक्तिकरण करनगे। श्री शाह अरुणाचल प्रदेश बिहार केरला ते आंध्र प्रदेश विच सरहदी इलाकियां विच बुनियादी ढांचे नूं मजबूत बनाउण लई भारत तिब्बत सरहदी पुलिस प्रोजेक्टां दा भी उद्घाटन करनगे। ओह कीवीथू विच ITBP हमले नाल भी गल्लबात करनगे। कानून न्याय ते पार्लीमेंट्री मामलियां बारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अज जम्मू यूनीवर्सिटी विच भारत दे संविधान दे डोगरी अनुवाद दा पहला अंक जारी कीता है। इस मौके ते जम्मू कश्मीर ते लद्दाख हाईकोर्ट दे चीफ जस्टिस जस्टिस कोटेश्वर सिंह हाईकोर्ट दे सीनियर जजां जम्मू यूनीवर्सिटी दे वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय केंद्र सरकार अते जम्मू कश्मीर प्रशासन तो सीनियर अहुदेदारां ने हिस्सा लिया। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। यूक्रेन दे फर्स्ट उप विदेश मंत्री एमीने जपरोवा भलके तो भारत दे 4 दिना दौरे ते आउणगे। अपने दौरे दौरान कुमारी जपरोवा विदेश मंत्रालय विच पच्छम बारे सकत्तर संजय वर्मा नाल गल्लबात करनगे। ओ यूक्रेन विच मौजूदा स्थिति अते सांझे हित दे आलमी मुद्दयां ते वी विचार वटांदरा करनगे।
कुमारी ज़ापरोवा विदेश राज मंत्री मीनाक्षी लेखी ते उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिसरी नूं भी मिलणगे। भारत दे यूक्रेन नाल निघे दोस्ताना ते बहुवल्ले सहयोग वाले संबंध ने। सफारती संबंध कायम करने दे 30 तों वध सालां विच दोहां देशां दरम्यान दुवल्ले सहयोग अते वपार, सिक्ख्या, सभ्याचार ते रक्षा दे खेतरां विच अहम प्रगति होई ऐ। जम्मू कश्मीर दे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अज रामबन जिले विच सनासर सैलानी स्थान विखे जम्मू खेतर दे वड्डे ट्यूलिप गार्डन दा उद्घाटन कीता। इस मौके ते बोलदिआं उन्हां कहा कि राज दे लोकां लई नवीआं आर्थिक थावां नूं खोलण लई जम्मू कश्मीर विच टूरिज़म मिशन वजों 75 नवें स्थान, सूफी धार्मिक स्थान, सभ्याचारक विरासती थावां ते नवें राहां दा विकास कीता जा रिहा है। साडे जम्मू वाले पत्र प्रेरक ने खबर दित्ती है कि इह ट्यूलिप गार्डन 40 तों वध कलासन च फैलिया होया अते इत्थे 25 वख-वख किस्मां दे 3.5 लाख ट्यूलिप फुल ने। इस नाल सैर सपाटा ते वपारक गतिविधियां नूं वड्डा हुलारा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर तों पहलां दी शाम भारत अते विदेशां विच रहिंदे सारे नागरिकां नूं वधाई दित्ती ए। उन्हां कहा कि इह त्यौहार प्रेम अते दया दा प्रतीक ए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह ने सच्चाई अते न्याय लई अपनी कुर्बानी दे के प्रेम अते माफी दा संदेश दित्ता। उन्हां कहा कि प्रभु ईसा मसीह दा जीवन दया अते कुर्बानी दा अहम उदाहरण ए। राष्ट्रपति ने सारयां नूं प्रभु ईसा मसीह दीआं सिक्ख्यावां नूं अपना के अते राष्ट्र दे विकास लई योगदान वास्ते प्रण लै के समाज विच प्यार अते इकसुरता फैलाउण लई कहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ईस्टर तों पहलां दी शाम लोकां नूं वधाई दित्ती ए। अपने सुनेहे विच उन्हां ने उम्मीद प्रगट कीती कि ईस्टर आपस विच प्रेम, इकसुरता अते शांति भी लियाएगा। आयुष मंत्रालय सोमवार नवीं दिल्ली विच विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके ते एक विज्ञानक सम्मेलन कराएगा। इस सम्मेलन का विषय होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य, एक सेहत एक परिवार। विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के बानी डॉ क्रिश्चियन फ्रैडरिक सैम्यूल हाइनम की जन्म वरेगंढ मनाने मनाया जाता है। सम्मेलन दौरान होम्योपैथी के नीति पहलुआ, होम्योपैथी विच आधुनिकता, खोज सबूतां ते क्लीनिकल तजर्बों बारे वख-वख समागम होणगे। यह विज्ञानक सम्मेलन वख-वख अहम भागीदारां दे विचार वटांदरां राहीं खोज, सिक्ख्या ते एकीकृत सांभ संभाल विच होम्योपैथिक संगठित करन लई भविख दा खाका तैयार करन लई राह पद्धरा करेगा। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनां विच देश दे बहुते हिस्सिआं विच वध तों वध तापमान दे 2 तों 4 डिग्री तक वधन दी पेशीनगोई कीती है। इस ने कहा कि पछमी बंगाल, अंदरूनी उड़ीसा, पछमी मध्य प्रदेश, गुजरात ते रायलसीमा दे कई हिस्सिआं विच तापमान दे 38 तों 39 डिग्री सैलसीयस रहण दी संभावना है। इस ने कहा कि उत्तर पछमी, पछम, केंद्रीय अते पूर्वी भारत दे बहुते हिस्सिआं च तापमान दे हौली हौली 2 तों 4 डिग्री तक वधन दी संभावना है। इजराइल ने अज दक्षणी लेबनान अते गाजा पट्टी विच फलस्तीनी मिलीटेंट तड़े हमास नाल संबंधित टिकाणिआं ते हवाई हमले कीते। इजराइल दी फौज ने कहा कि ए हमले लेबनान तो देश दे उत्तरी हिस्से विच दागे गए दर्जना रॉकेटां दे जवाब विच कीते गए ने। ए लेबनान तो दोहां देशां दरम्यान 2006 दी जंग तो बाद दागे गए सब तो ज्यादा रॉकेट सन। गाजा च लड़ाकियां ने हमले शुरू होण तो बाद दर्जना रॉकेट दागे। इजरायली अधिकारियों अनुसार इजरायली कार्रवाईयां मगरों कब्जे वाले पछमी किनारे च एक बस्ती नेड़े होए हमले च 2 इजरायली भैणां मारियां गईआं ने। इस हफ्ते दे शुरू च यरूशलम विच अल अक्सा मस्जिद ते इजरायली पुलिस दे हमले मगरों खित्ते च बहुत ज्यादा तनाव बनिया होया है। ताइवान दे रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन दे 42 फौजी जहाजां ते 8 समुद्री जहाजां ने अणऐलानी सरहदी रेखा नूं पार कीता है, जो कि चीन अते ताइवान दे इलाकियां नूं आपस विच वंडदी है। चीन दी फौज ने 3 दिनां दीआं फौजी मशकां दौरान ताइवान नूं घेरन दा अभ्यास कीता है। इह मशकां ताइवान दे राष्ट्रपति साई इंग वेन दे अमरीका दे दौरे दे परतन तों कुछ घंटियां बाद शुरू होईआं। चीन ने कार्रवाई नूं टापू सरकार लई सख्त चेतावनी दस्या है। आखिर विच खास खबरां एक बार फेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना च 11,000 करोड़ रूपये तों वध दी कीमत दे वख-वख विकास प्रोजैक्टां लई नींह पत्थर रख्या है। उन्हां ने सिकंदराबाद, तिरुपति अते चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत रेल गड्डियां नूं भी झंडी विखा के रवाना कीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आसाम च तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन विखे सुखोई 30 MKI हवाई जहाज उड़ान भरी ते यूक्रेन दे फर्स्ट उप विदेश मंत्री एमिने ज़ापरोवा पलके तों भारत दे 4 दिनां दौरे ते आउणगे। आकाशवाणी तों खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।